नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कलाकार की शताब्दी के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण। तिरुची कट्टू रॉयल मिल चेक पोस्ट पर कलाकार एम करुणानिधि की 8 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुखा स्टालिन ने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए इसका उद्घाटन किया। कलाकार एम करुणानिधि की शताब्दी के अवसर पर डीएमके की ओर से पूरे तमिलनाडु में विभिन्न कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रम और मूर्ति अनावरण आयोजित किए जा रहे हैं। इसके हिस्से के रूप में त्रिची दक्षिण जिला डीएमके सचिव और स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पोयामोझी ने कट्टू रॉयल मिल चेक पोस्ट पर 13 आदर्श वाक्यों के साथ 10 फीट की चौकी, 8 फीट ऊंची पूर्ण कांस्य प्रतिमा की व्यवस्था की थी। उद्घाटन समारोह आज सुबह आयोजित किया गया। तंजौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशाल तोरण द्वार बनाए गए। कलाकार की प्रतिमा का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री म्यू कस्थल ने एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से किया। तत्कालीन युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टल, एमपी कनेमोझी, शहरी विकास मंत्री के एन नेहरू भी मौजूद थे। मंत्री अनबिल महेश बोयामोझी, विधायक इनेको उदयराज, अब्दुल समतू और पूर्व विधायक के एन सेकरन ने उस स्थान पर भाग लिया जहां प्रतिमा स्थापित की गई थी और कलाकार को माला पहनाकर और फूल छिड़ककर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वे झंडे लेकर और गुब्बारे उड़ाते हुए कलाकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आर बी शंकर रमन मुख्य संवाददाता तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्र की रिपोर्ट। கழகத்தினுடைய இளைஞனி செயலாளர் மாண்புமிகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உள்ளிட்ட நிறைவுகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் மாநகர கழக செயலாளர் மதிவாணன், அது நீங்கள் அனைவரும் இல்லை என்று சொன்னால் அது சாத்தியமாகாது. ஆக அந்த வகையிலே அந்த நிர்வாகிகள் ஒவ்வொருவருக்கும், ஏன் நம்முடைய முத்தமிழர் கலைஞர் அவருடைய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகள்